नदी के अंदर उसका छठा भाव दसवीं आय से लेकर इसकी तेरहवीं आय तक हम कुरान के कलाम को कलाम करेंगे। आप सबकी सलामती हो। कुरान के बिना कि आपने यूँ मजबूर है तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान को कमी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ़ किया तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर और हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा। ये बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। अमीन। गुलाम के पाक नाम को पढ़े उस मैदान पर गुलाम के पास करके तुम सफल हो। इससे जो पिछले वाला संडे था उससे हमने ये शुरू किया था कि जो ये जो दुआए वाणी है यानी जिसको हम सिखाई दुआ भी कहते हैं और ये इसमें लॉर्ड प्रेयर कहते हैं इसको, यीशु मसीह ने जो अपने शिक्षकों को दुआ सिखाई थी, मैं वापस नहीं जाऊंगा। अगर मैं वापस गया तो तकरीबन मुझे 15-20 मिनट कुछ रिपीट करने में लग जाएंगे। इसलिए जितनों ने पिछला टॉपिक सुना है उसको हो सकता है कि 1-2 मिनट के अंदर मैं क्लियर करूं, सिर्फ रिमाइंड करवाऊंगा आपको। जो अगर मैं डिटेल में गया तो शायद मुश्किल हो जाए, फिर अगला बहुत ज़्यादा खुदा का कलाम का भेद है जो आप तक पहुँचाना है। पिछली बार जब हमने इसको देखा था तो हमने देखा था कि यीशु मसीह ने कहा कि बस तुम दुआ किया करो, इस तरह किया करो, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। मैं मुख्तसर तौर पर बताता हूं कि इस वक्त यीशु मसीह जमीनी हालत में जमीन पर मौजूद थे। आमीन। फिजिकली जिस्मानी तौर पर यीशु कहां पर मौजूद थे? कहां पर मौजूद थे? जमीन पर मौजूद थे। और यीशु मसीह दुआ करने के लिए शागिर्दों को कह रहे हैं और सिखा कह रहे हैं कि जब दुआ करनी है तो ये बोलना है आज हमारे बाप तू जो आसमान पर। यीशु के जरिए हम खुदा को बाप कह सकते हैं। आमीन। यीशु को बाप नहीं कह सकते, किसको कह सकते हैं? मेरे साथ है, किसको बाप कहना है? खुदा को। खुदा को किसको कहना है? खुदा को। फिर कह रहा हूँ यीशु को बाप नहीं कहना, किसको कहना है? खुदा को। क्योंकि यीशु ये सिखा रहा है कि मेरा भी वो बाप है और मेरे वसीला आपका भी वो बाप है। आमीन। आमीन। यहाँ पर यीशु ने ये सिखाया। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं और कई कई साल वो इसी जुमले को रिपीट करते रहते, सारी सारी दुआएं वो यीशु बाप कहकर करते रहते हैं। हालांकि बिब्लिकली यहाँ पर ये बात क्लियर होती है कि और ये असल मेथड नहीं है बिब्लिकली। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर यीशु ने यह सिखाया कि जब तुम दुआ करो तो बाप से दुआ करो। किससे करो? बाप से। आमीन। लिखा है आए हमारे बाप तू जो आसमान पर। मुफ्त से चलेंगे आगे। आगे क्या लिखा है? तेरा नाम पाक। मैंने बताया था कि खुदा का नाम पाक माना जाना चाहिए। यीशु ने हमें यह सिखाया कि खुदा का नाम जो है उसको पाक माना जाए। यहां पर एक चीज खास है कि इंसान इसके अंदर अपने लिए अभी कुछ भी नहीं मांग रहा। मेथड ऑफ प्रेयर, दुआ का जो तरीकेकार है, सबसे पहले खुदा की बड़ियाई, खुदा की तारीफ, खुदा की सिताइश, खुदा की पूजा है। ये नहीं है कि हम बैठे और 2 मिनट के अंदर सारी दुआएं मुकम्मल कर लें, अपने रिश्तेदारों के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, सारे बागियों के लिए भी कर लें, उसके बाद 2 मिनट के अंदर दुआ खत्म हो। यहां पर ये इतनी दुआ नहीं है। ये दुआ का एक मेथड है, एक तरीकेकार है, एक सलीका खुदा ने यीशु ने सिखाया। आमीन। अब यहां पर जो लिखा, सिर्फ यहां पर ही नहीं बल्कि ये तरीका ये है कि हमें सबसे पहले खुदा की बड़ियाई करनी, उसकी तारीफ और उसकी हमदर्द सना करनी। आमीन। आमीन। उसके बाद मैंने ये आपको बताया था कि यीशु ने जब सिखाया कि तेरा नाम पाक माना जाए, खुदा को कहा जा रहा है कि तेरा नाम पाक माना जाए, उसके बाद क्या है कि तेरी बादशाही आए। यहां पर हम पहुंचे थे। जब बादशाही का जिक्र होता है तो बादशाही
दो तरह की है, एक बादशाही वो है जो अब्लीस की इस जमीन के ऊपर हुक्मरानी है, वो उसकी बादशाही है, उसको हम अब्लीस की बादशाही कहते हैं, और एक वो बादशाही है जिसकी यीशु मसीह ने मुनादी की और जिसकी योहाना ने मुनादी की। मैं लास्ट टाइम ये भी बता रहा था कि ये दुआ हमने एक रट्टे के तौर पर इसको सीखा है, और जब दिल चाहता है जहां पर पढ़ लेते हैं हम इसको समझ कर अंडरस्टैंड करके नहीं बोलते, और अगर हम ये सोचते हैं कि हम बोलते हैं तो ये मैसेज के बाद आपको आइडिया होगा कि अगर हम सोचकर बोलते हैं तो क्या इसी तरह सोचते थे जिस तरह कलाम से सीख रहे हैं। अगर इसी तरह सोचते हैं तो फिर मेरा क्या लाभ मेरे से दुआ से आगे है, क्योंकि मेरे लिए ये चीजें नहीं है, मुझे सीखने को मिली है। तो अगर जिस तरह कलाम के बाद आपको समझ आएगी आप दुआबानी करते हैं तो उसका मतलब मेरे से आप आगे हैं, तो खुशी होनी चाहिए इस बात। आमीन। सो यहां पर हम पहुंचे थे कि तेरी बादशाही, बादशाही की बात हम कर रहे थे। अब मैंने बताया कि दो तरह की बादशाही है, एक खुदा की बादशाही और एक अब्लीस की बादशाही। जब हम दुआ करते हैं तो बाप उसको कहते हैं, शुरू में खुदा ने ये सुनिश्चित किया है खुदा को बाप कहना है, तो बाप वही कह सकता है जो उसका बेटा है, और बेटा और बेटी वही होता है जिसका ताल्लुक उससे है, और ताल्लुक तब होता है जब इंसान दुनिया को छोड़कर दुनिया की सोचों को, दुनिया के ख्यालों को, दुनिया के कामों को छोड़कर एक ऐसी महफिल में, एक ऐसे घराने में शामिल होता है जो खुदा का घराना यानी कलीसिया कहलाते हैं। अब इंसान जन्म इस दुनिया में लेता है, पैदा वो अपने घर में होता है, वो अपने माँ बाप से जन्म लेता है, लेकिन जैसे वो कलाम को समझता है, वो कलाम की पहचान करता है, उसके अंदर खुदा का रूह उसको एहसास दिलाता है, तो उसके अंदर तब्दीली आती है, उसकी सोच खुदा के कलाम की तरफ जाती है, और वो तौबा करता है, और तौबा करने के बाद खुदा के करीब आकर माफी मांगता है, माफी मांगने के बाद वो उन गुनाहों का इकरार करके माफी मांग के तौबा करके उस जगह से निकलता है, उस दुनिया से निकलता है, दुनिया के उन तमाम कामों से निकलता है, दुनियादारी के लोगों से निकलता है, यानी जेल से निकलना होता है। ये नहीं कि कोई ऐसी प्लेस बनी हो कि ऐसा मुल्क है जिसमें बंदा शामिल चला जाता है वहां पे वीजा लग जाता है, ये नहीं है। ये सारा कुछ यहां पर होता है। कहां पर होता है? यहां पर होता है। कहां पर मुझे होता है? कहां पर होता है? जहन के अंदर ये दुनिया होती है, और इसी दुनिया को जहन से निकाल कर खुदा की दुनिया में जाना होता है, खुदा के लोगों में शामिल होना होता है। आमीन। आमीन। अब ये सारा प्रोसीजर जो होता है, जब ये काम होता है बंदा दुनिया से निकलता है और दुनिया के कामों को छोड़कर खुदा के कामों में, खुदा के लोगों में शामिल होता है, तो फिर वो खुदा के घराने का फर्द बन जाता है। हालेलुया। हालेलुया। खुदा के घराने का क्या बन जाता है? फर्ज बन जाता है। मैं चंद एक हवाला जानते हैं आज, मैं चाहूंगा कि इनको हम तबादल करें, साथ साथ हम सीखेंगे। यानी जो बात मैं कर रहा था कि जब हम दुनिया से निकलते हैं तो खुदा का रूह हम पर कंट्रोल करता है, तो फिर हम इन चीजों को जो है वो समझ पाते हैं, इन चीजों को सीख पाते हैं, और हम खुदा की ब्लेसिंग को जो है वो हासिल कर पाते हैं। इफिसियों के नाम पुस्तक का बात, उसका दूसरा भाग और उसकी 19 से 22 आयत, हम तीन आयत को तलावत करेंगे, यानी 19, 20 और 21 और 22 आयत तक हम इसको पढ़ेंगे। इफिसियों उसका दूसरा भाग उसकी 19 से 22 तक, और उसके बाद इफिसियों दूसरा भाग और उसकी 12 आयत। ये दो हवाला जात हम खुदा के कलाम में से हवाला जात, जितने लोगों के पास बाइबल है वो कोशिश करें जल्दी जल्दी हवाला जात को निकालें, क्योंकि आप परदेशी और मुसाफिर नहीं रहे। नंबर एक लिखा है कि अब हम परदेशी और मुसाफिर, परदेशी और मुसाफिर वो होता है जो अपने वतन में ना हो। आमीन। जी, बल्कि मुकद्दसों के हम वतन और खुदा के घर। अब मुकद्दस लोगों का एक खास वतन है, और वो वतन कौन सा है? इस माइक के बाद लोगों का एक खास मुकाम है, वचन है, जगह है, जिसके अंदर जाने के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। आमीन। आमीन। जी, और सुनो,
और नबियों की नींव पर जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यीशु है तमीर किए गए हैं। उसी में हर एक अमारत मिल मिलाकर खुदावन में एक पाक मुकद्दस मकसद बनता जाता है और तुम भी उसमें काम तमीर किए जाते हो ताकि रूह में। अब ये एक वतन है, एक महफिल है, एक खानदान है और उस खानदान के कोने का सिरे का पत्थर जो है वो यीशु मसीह है और उस पर ईमान लाने के वसीला से, फिर तो गौर से समझना, उस पर ईमान लाने के वसीला से हम दुनिया से निकलकर यीशु के खून से पाक होकर यीशु के खून से धुले हुए लोगों में शामिल हो जाते हैं। आमीन। और हम उस वतन के लिए तैयारी कर रहे होते हैं जिस वतन को तैयार करने के लिए यीशु ने खून बहाया, उसने जान दी और उसने अपनी कुदरत को नाजिल किया। जी और तुम भी इससे बाहम तमीर किए जाते हो ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो, ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह का जो खून बहाया गया वो इसलिए बहाया गया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो। यानी यीशु का खून जो है वो हमें पार करता है, यीशु का खून हमें क्या करता है, पार करता है और पार करके उस जगह पर ले आता है, उस मुकाम पर ले आता है जहां पर वो लोग होते हैं जिनको खुदा ने चुना होता है, जिनको खुदा प्यार करता है या जो खुदा को प्यार करते हैं। आमीन। जी तो आपकी बात आई पड़ी। अगले जमाना में मसीह से जुदा और इसराइल की सल्तनत से खारिज और वादा के अहदों से नावाकिफ और नाउम्मीद और दुनिया में खुदा से जुदा थे। लोग पहले जमाना के अंदर यीशु से नावाकिफ थे और जब यीशु से ना वाकिफ थे तो यीशु को उम्मीद थी लेकिन उससे वाकिफ नहीं थे और वो उस अहद से दूर थे जो आज यीशु के वसीला से हम तक पहुंचा। यानी एक वादा था जो खुदा ने किया था कि एक ऐसा मसीहा आएगा जो हमें छुटकारा देगा और हमें एक ऐसी जगह पर लेकर जाएगा, ऐसे माहौल में, एक ऐसे मुकाम में लेकर जाएगा। आमीन। आमीन। यानी मेरा कहने का मतलब कि हम खुदा के घराने के लोग हैं। इफिसियों 2:19 ये बताती है कि हम खुदा के वतन के लोग हैं, हम एक अलग किए जाते हैं, दुनिया से फर्क किए जाते हैं और हमारे अंदर वो फर्क नजर आना चाहिए। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद रोमियों उसका 8 और उसकी 15 आयत खुदा के कलाम में से देखेंगे। जब हम ये दुआ करते हैं कि आए हमारे बाप, उसका मतलब है कि हम बाप के बेटे और बेटी यानी उसके खानदान में शामिल हैं। हालेलुया। मेरे साथ रहे। हालेलुया। क्या मैंने बोला? उसके खानदान में हम शामिल हैं। उसके खानदान में हम शामिल हैं। हालेलुया। जब शामिल हैं तो फिर वही फैमिली के अंदर, यानी अगर हम किसी जगह पर जाएं, किसी फैमिली के अंदर जाएं या किसी और मुल्क के अंदर जाएं तो वहां के रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं हमें फॉलो करने पड़ते हैं, हमें उन पर चलना पड़ता है। हम वहां पर जाके अपनी हुक्मरानी नहीं कर सकते, इसलिए बाइबल के रूल्स एंड रेगुलेशन जो है उनको फॉलो करते हुए हमें उस तरह जिंदगी बसर करनी जितना खुदा का कलाम करता है। आमीन। आमीन। हालेलुया। जी पढ़ेंगे रोमियों 8:15। अब यहाँ पर जब हम यीशु के खून से पाक हुए हैं तो हम एक पाक महफिल में आ गए हैं और उसके बाद लिखा है कि तुम्हें गुलामी की रूह नहीं मिली। अब यीशु मसीह जब पाप को पाप कहते थे तो एक लफ्ज अक्सर यीशु मसीह ने बोला बाइबल के अंदर, अनजील के अंदर बोला अब्बा। जब वो बोलते थे तो उसको अब्बा कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो हमें सिखाने के लिए, जो असल इसका मीनिंग है, हमें सिखाने के लिए वो अब्बा जब बोलते थे तो वो हमें सिखाते थे कि हम बाप के बेटे और बेटियां यीशु के वसीला से। आमीन। वो हमें सिखाने के लिए कहा जाता था। हालेलुया। इसलिए ये बड़ा जरूरी था, यीशु मसीह जब भी अब्बा बोलते थे तो वो इस बात को जाहिर करते थे। अब रोमियों के काम पर लिखा है कि हमें जो है वो गुलामी की रूह, अब दुनिया के गुनाह की गुलामी से निकलकर हम कहां पर आ गए हैं, कहां पर आ गए, मुकद्दस लोगों में आसादी। आमीन। जी पढ़े जरा।
जाने की डर नहीं मिली जिससे हम अब्बा यानी जिससे फिर डर पैदा हो बल्कि नए पालक होने के रूप मिली जिससे हम अब्बा यानी अब्बा कहकर पाते हैं। अब नए पालक रूह हमें मिली है यानी ऐसा रूह मिला है जो कि नए पालक लेकर पाला हुआ। अब हमें खुदा ने जन्म नहीं दिया, फिजिकली जन्म नहीं दिया, हमें जन्म दिया है हमारे माँ बाप ने। हमें किसने दिया? अब यीशु के वसीला से हम लेकर बाप के बेटे हुए हैं, यानी ले पालक है। जिस तरह लेकर बच्चा पाला जाता है, अब खुदा ने हमें अपने घराने में शामिल किया है। आमीन। कितने लोगों को इस भेद की समझ आ रही है? बड़ा खास भेद है कि हम यीशु में हैं क्या, हम यीशु में हैं क्या, हम खुदा का घराना कैसे हैं? ये भेद है कि हमें लेकर पाला गया है यीशु के वसीला से, हम ले पालक यानी खुदा के बेटे और बेटियां हैं। आमीन। हमारे अंदर अब खौफ की रूह नहीं है बल्कि दिलेरी की रूह, वो दिलेरी कि अब हम दुनिया को छोड़कर खुदा में आ चुके हैं। अब हम दिलेरी से, क्योंकि यीशु के लहू से पाक हो चुके हैं, अब हम दिलेरी से खुदा को जिस तरह यीशु बाप कहता था, हम भी खुदा को बाप कह सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम भी खुदा को अब्बा कह सकते हैं जिस तरह यीशु कहता था। ये दिलेरी है, ये दिलेरी का काम है। आमीन। तो ये बड़ा जरूरी है कि अगर हम उसके घराने के लोग हैं तो हम उसे आए बाप कहकर पुकार सकते हैं। आमीन। और अगर हम उसके घराने के लोग नहीं हैं तो हम उसे अब्बा अगर कहे, यानी जो गैर अमानदार हैं जिनको मसीह का पता नहीं है, तो यीशु के फोन से नहीं जुड़े, जिन्होंने यीशु में शमूलियत नहीं की, याद रखें वो दुआएं रबानी चाहे एक दिन में कई हजार मरतबा पढ़ ले, उनको ना तो उसका फायदा है और ना उनको समझ, क्योंकि उनको पहचान ही नहीं है कि वो आए बाप अब्बा किसको कह रहे हैं, उनका बाप की तरह उनको पहचान नहीं है। इसलिए उनको पहचान है जिन्होंने उसमें मामूर होकर उसकी अनॉइंटिंग को, उसकी कुदरत को समझा, जाना सीखा और उसकी बरकत को हासिल किया। आमीन, आमीन। आगे हम बढ़ते हुए देखेंगे दूसरा तवारी उसका 20 बाप, सब आगे आ जाए आप भी, दूसरा तवारी उसका 20 बाप और उसकी छठी आयत और उसके साथ यूहन्ना उसका 14 बाप और उसकी 13 आयत हम देखेंगे। दूसरा तवारी 20 की 6 और यूहन्ना उसका 14 बाप और उसकी 13 आयत हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे। पहले यूहन्ना उसका 14 बाप और उसकी 13 आयत देखेंगे। ठीक है, मेरे नाम से चाहोगे वो हमारे लिए हो जाएगा। मतलब कि उसका भी बाप और हमारा भी बाप, तो एक फैमिली एक खानदान हुए। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद अब दूसरा तवारी उसका 20 बाप और उसकी 6 आयत, उसके बाद यशाया उसका 57 बाप और उसकी 15 आयत हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे। जी दूसरा तवारी, और कहा है खुदावन हमारे बाप दादा के खुदा, क्या तू ही आसमान में खुदा नहीं? अब सॉरी, हम रुकेंगे। खुदा से कहा जा रहा है, बनी इसराइल कह रहे हैं कि खुदा को याद दिला रहे हैं कि तू आसमान का खुदा नहीं है, यानी उसकी ताकत उसकी कुदरत को याद दिलाया जा रहा है। जी, पर क्या कौमों की सब उम्मतों पर हुकूमत करने वाला तू ही नहीं? कौमों पर उम्मतों पर हुक्मरानी करने वाला तू नहीं? जी, जोर और कुदरत तेरे हाथ में है, ऐसा कि कोई तेरा सामना नहीं कर सकता। तू ऐसा जोरावर है कि कोई माबूद, कोई कायनात की मखलूक, ना इंसान, ना चरिंद, ना परिंद, ना कोई भी मखलूक तेरी कुदरत का मुकाबला नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। तू ऐसा बुलंद है। आमीन। ये खुदा की पावर है, उसकी अथॉरिटी है, और हम उस खुदा को जिसकी ये अथॉरिटी है, हम उसको बाप कहकर जब पुकारते हैं तो वो फिर हमारे पास भी अथॉरिटी आती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम उसके घराने के लोग होते हैं तो खुदा हमें ब्लेस करता है। आमीन, आमीन। यशाया 57 की 15 है, और अब्दुल बार तब कायम है जिसका नाम कदूस है, यूं फरमाता है कि मैं बुलंद और मुकद्दस मुकाम में रहता हूँ और उसके साथ भी जो शिकस्ता दिल और रोतन है, ताकि फोतों की रूह को जिंदा करूँ और शिकस्ता दिलों को हयात बख्शूं। आमीन। खुदा ये चाहता है कि फोतों की रूह को क्या करूँ?
बहाल करो, जिंदा करो। आमीन आमीन। जब हम उसकी मलकियत हो जाते हैं तो खुदा हमें ब्लेस करता है। मैं आपको बताता चलूं कि हम इसमें से सीख रहे थे कि तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक बना है, और ये वो लोग चाहेंगे या वो दुआ समझ कर करेंगे जो ये चाहते हैं कि मेरे बाप का नाम जमीन पर पाक माना जाए। आमीन। कौन करेंगे दुआ? जिनको समझ है कि मैं ये चाहता हूँ कि खुदा तेरा नाम पाक माना जाए, तेरे सिवा तेरी पकीज़गी के आगे कोई नहीं ठहर सकता, इसलिए मैं तेरे से ज्यादा किसी को इज्जत ना दूं, बल्कि मेरी जिंदगी से और तमाम इंसानों की जिंदगी से मैं चाहता हूँ कि तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा नाम जलाल पाए। आमीन आमीन। और ये वो ही कह सकता है जिसको ये पता है कि मैं उसकी फैमिली का हिस्सा हूं। आमीन। हालेलुया। जमीन पर बेशुमार माबूद लोग, इंसान, मखलूकात ऐसी हैं जो खुदा के पाक नाम को नापाक करने की कोशिश करती हैं। क्या करने की? नापाक करने की कोशिश करते हैं, मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ कामों से मखलूकात नापाक करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह चिरिंद प्रिंट है, आपको बताया कि कुछ हलाल जानवर और कुछ हराम जानवर है, और हराम जानवर का मतलब क्या है? वो क्या है? नापाक है। क्या है? हम उनको खा नहीं सकते, नहीं सकते। इसलिए अब जो सांप है वो काम क्या करता है? वो शैतान का, जो अबलीस को जाहिर करता है, शैतान को जाहिर करता है, नापाकी को जाहिर करता है। अब खुदा का नाम पाक माना जाए, ये वो ही कहेगा या वो ही चाहेगा जो उसके खानदान का बेटा और बेटी है। दुनिया की बड़ी सारी मखलूकात उसके नाम को पाक नहीं मानते, जिनमें से सबसे अफजल अबलीस है, जिसको आसमान से इसी वजह से गिराया गया क्योंकि उसने खुदा की पाकीज़गी को कायम नहीं रखा गया। आमीन आमीन। और उसके बाद सिर्फ यही नहीं कि जमीन पर मखलूकात को, इंसान भी जब खुदा के खिलाफ काम करते हैं, जिन कामों से खुदा माना करता है, जिन कामों से खुदा रोकता, कलाम रोकता, जब वो करते हैं, हम नशाबाजी करते हैं, हम नाचरंग करते हैं, हम खुदा के खिलाफ चलते हैं, हम अपनी जिंदगी को अपनी तरतीब से गुजारते हैं, खुदा के खुदा से हट के, तो हम क्या करते हैं? उसके डायरेक्ट नाम को पाक करने के बजाय क्या जाहिर करते हैं? नापाक, नापाक जाहिर करते हैं। आमीन। इंसान भी नापाक उसको करते हैं। हालेलुया। सो लिखा है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए। अब बादशाही वही में हम शुरू में बात कर रहे थे कि अबलीस की बादशाही और खुदा की बादशाही, ये दोनों बादशाही हैं, इसको हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे, हवाला जात में से देखेंगे। मैं चाहता हूँ मत्ती की अंजील उसका 12 बाब और उसकी 26 आयत तलावत कर इसमें से देखेंगे। मत्ती की अंजील उसका 12 बाब 26 आयत, मत्ती की अंजील उसका 4 बाब और उसकी 17 आयत, फिर मत्ती की अंजील उसका 4 बाब और उसकी 33 आयत। जी। और अगर शैतान ही ने शैतान को निकाला तो वो आप अपना मुखालिफ हो गया। हाँ जी, मैं बात कर रहा था दो तरह की बादशाही। एक अबलीस जब जमीन पर आया तो उसने एक बादशाही कायम की। उसने क्या किया? नाफरमानी करके उसने एक अपनी हुक्मरानी कायम की, और दुनिया में लोगों पर वो हुक्मरानी करके उनको गुनाह की गंदगी के अंदर धकेल कर उसने दुनिया को इस तरफ लगा दिया है। उसने अपनी बादशाही में, यानी मीडिया, नाच, ये सारे दुनिया की ख्वाहिशात, दुनिया के काम जो है, ये अबलीस की बादशाही है, क्योंकि मत्ती 4 के अंदर ये लिखा हुआ है कि यीशु मसीह को अबलीस ने एक किंगरे पर, हैकल के किंगरे पर खड़ा करके कहा था कि दुनिया की शानो शौकत मेरे कब्जा में है, अगर तू मुझे सजदा कर दे तो मैं क्या करूँगा? क्या करूंगा? इसका मतलब कि शानो शौकत उसके कंट्रोल में है और वो देना चाहता है जो उसे सजदा करते हैं। अब यहां पर इस बात को जाहिर किया गया है
खुदा के कलाम में लिखा है, जब हम बादशाह की बात करते तो दो तरह की बादशाही है। अब यीशु जब जमीन पर आया तो यीशु ने आते ही जमीन पर बादशाही की मुनादी की, और इससे पहले यीशु मुनादी करते योहन्ना ने मुनादी की, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। ठीक है, योहन्ना ने बादशाही की बात की है और उसके बाद यीशु ने भी बादशाही की बात की है। और जिस हवाला को हम देख रहे हैं इसमें मत्ती 12 की 26 में लिखा हुआ है, जी पढ़ी नजर दोबारा, इसको गौर से सुना आपने। और अगर शैतान ही ने शैतान को निकाला, और खुदा यीशु मसीह कह रहा है, लोग कहते थे कि ये अबलीस के जोर से अबलीस को निकालता है, तो खुदा यीशु मसीह ने कहा था कि बात सुनो, अगर शैतान ही शैतान को निकाले तो उसकी बादशाही नहीं कायम रहेगी, तो ये कैसे मुमकिन है? मैं अपने बाप की कुदरत से अबलीस को निकालता। आमीन। इसलिए यहाँ पर अबलीस की बादशाही का जिक्र है। उसके बाद हम देखेंगे, जी आज पूरी होगी, फिर उसकी बादशाही क्यों कर कायम रहेगी, अबलीस की बादशाही की बात है जी। उसके बाद हम मत्ती की अंजील उसका 4:17 को देखेंगे। यीशु ने मुनादी करने का आगाज किससे किया, किसे किया? तौबा करो जी, क्योंकि आसमान की बादशाही बादशाही की बात है। हालेलुया। अबलीस की बादशाही से लोगों को निकाल कर खुदा की बादशाही में शामिल करना, दिस इज आवर मिशन जी। आगे बढ़ो बेटे, अगला वाला मत्ती 4:33। बादशाही की बात की। अब बादशाही का असल मतलब क्या है? किसी पर हुक्मरानी करनी। अबलीस ने दुनिया के ऊपर हुक्मरानी करके दुनिया को अपने पीछे लगाया हुआ है, और जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं तो हम उसकी हुक्मरानी से निकलकर खुदा की उस महफिल में, उस टीम में शामिल होते, उस ग्रुप में शामिल होते हैं जिसको कलीसिया कहा जाता है, तो हम उसकी बादशाही से निकलकर खुदा की बादशाही के तैयारी करने वाले लोगों में शामिल होते हैं, जहां पर खुदा के लिए लोगों को तैयार किया जाता है, तो हम खुदा की बादशाही के लिए तैयार हो रहे होते हैं। आमीन आमीन। और खुदा की बादशाही को फैलाने का काम हमारा काम है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जी, आगे लिखा हुआ है द्वारवाणी को हम वापस आएंगे जरा जी, कहां तक पहुंचे थे हम? मुझे काफी तरह हिस्सा रिपीट करना पड़ा, तेरी मर्जी कैसे? अब आसमान पर मैंने बताया था मर्जी खुदा की तरह कैसे पूरी होती, रिश्ते एक बड़ी टेक्निकल बात है और बड़े भेद है, समझे इसको गौर से करा, समझो करें। रिश्ते पता कैसे खुदा की बात करते हैं? उनको कहा गया है तो उन्होंने खुशी से करते रहना, इबादत खुशी से करते रहना, पुरजोश तरीके से करते रहना, सर खुशी से करते रहना है, और हर तरीके को वो जब भी काम करते हैं फरिश्ते क्या करते हैं, सरशारी के साथ, खुशी के साथ, एहतियात के साथ, और इससे भी बढ़कर इज्जतो एहतराम के साथ खुदा की लगातार इबादत करते रहते हैं। ये आसमान पर खुदा की इस तरह मर्जी पूरी होती है। आमीन आमीन। और आसमान पर मैंने बताया था छुरो चांद सितारे, जिसको जो खुदा ने हुक्म दिया आज तक वो वैसे कर रहा है, और जब जमीन की बात आती है तो ईमानदार लोग दुआ करके ये कहते हैं कि जैसे आसमान पर तेरी फरमाबरदारी होती है वैसे जमीन पर भी तेरी फरमाबरदारी हो, मर्जी पूरी हो, फरमाबरदारी हो। लोग मैं चाहता हूँ आई खुदा कि लोग जमीन पर तेरी मर्जी को पूरा करें। आमीन आमीन। प्रॉब्लम ये होती है कि जमीन पर जब इंसानों को इबादत कर कहा जाता है या करनी पड़ती है तो उनको दुनिया की चीजें, दुनिया के शोर, दुनिया के काम, दुनिया की महफल चाहे 10 घंटे की हो उन्होंने बोर नहीं होंगे, लेकिन जब इबादत उनको करनी पड़ती है तो वो सोचते कब मैसेज खत्म होगा, कब ये इबादत खत्म होगी, कब मैंने घर पहुंच के वो बाकी ड्रामे की किस्त देखी हो, कब मैंने फलां काम करना है, कब कौन सा काम करना है। ये हुक्मरानी हमारे ऊपर किसकी चल रही है? हैरल के अंदर भी
अब्लीस की, अब्लीस की बादशाही हम पर गालिब है। आमीन आमीन। हमें ये समझना है कि हम किसकी हुक्मरानी पर हैं। हालेलुया हालेलुया। क्या हम पढ़ रहे थे, तेरी मर्जी जैसे। उसके बाद यहाँ पर, यहाँ तक ये एक दुआ का हिस्सा मुकम्मल हो गया। अब थोड़ी सी दुआ का मेथड जो इंसान ने मांगना है, उसके बाद है हमारे रोज की रोटी। इंग्लिश में इसको कहते हैं आवर डेली ब्रेड, यानी रोज की रोटी। जब इसका असल मीनिंग दिया जाता है, उसको मैं मुख्तसर कर रहा हूँ कि टाइम ज्यादा हो रहा है। असल में इसका मीनिंग जो है यहाँ पर रोज की रोटी का, कि हमारी वो तमाम तर रोज की जिंदगी गुजारने की जरूरियात। ये दरवाजा खोल दी, हमारी रोजाना राशन, डेली राशन, जिंदा रहने के लिए जिन चीजों की हमें जरूरत है। अरे खुदा, मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं, मैं तेरी मर्जी पूरी करता हूं, मैं खुशी से तेरी इबादत करता हूं, मैं तेरी कलाओं पर चलता हूं, तो इसलिए अब मेरा हक है कि तू मेरी जरूरी आंत को पूरा कर, मुझे रोज की रोटी दे। यानी रोज की रोटी सिर्फ नहीं, रोटी में जो मतलब यहाँ पर आता है वो डेली जिंदा रहने के लिए जिंदगी की तमाम तर जरूरियात। आमीन आमीन। तमाम तर जरूरियात, उसमें रुपया पैसा भी, आना जाना भी, खाना पीना भी, जागना सोना भी, रहना भी, मिलना, ये सारी चीजें मौजूद है। आमीन आमीन। तो क्या हम पढ़ रहे थे, हमारी रोज की रोटी। उसके बाद लिखा, और जिस तरह हम अपने माफ करते हैं, तू भी हमारे। पहले लिखा कि हम माफ करते हैं। मैं छोटी सी मिसाल देकर, क्योंकि काम की वजह से मुझे किल्लत हो रही है, बड़ा वसी इसको खुदा ने मुझे दिया था और मैं इसको डिटेल में नोट किया है, मैं केवल देना चाहता था सब कुछ, और अब मुख्तसर इसको कर रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है कि जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर होती है। उसके बाद हम इस बात पर आ गए कि जिस तरह हम अपने कर्ज क्या करते हैं, तू भी हमारे माफ कर। अब एक बच्चा जो है उसका बाप के साथ रिलेशन है, बाप का बेटा बेटी है, बाप ने उसको कहा बेटा तू जा, आज मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ, मेरे आने तक तूने घर का राशन लाना है, तूने मेरे आने तक ये कहा। गुस्सा आएगा बाप को कि मैंने इसको ये कहा था। एक तो उसने गुनाह किया कि बाप की नाफरमानी की, और गुनाह के साथ उसका उस पर एक कर्ज हुआ, यानी उस पर एक कर्ज है कि उसने उस कर्ज को उतारना है, और वो कर्ज कैसे उतारेगा, वो बाप से माफी मांगकर अपना कर्ज उतारेगा। आमीन आमीन। वो बाप के पास आएगा और उसे कहेगा बाप देख मुझे ये करना चाहिए था, मैंने ये नहीं किया, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ, खुदा तू मुझे माफ कर दे, या मेरे बाप तू मुझे माफ कर दे। तो इसलिए उसका कर्ज जो है वो माफ किया जाएगा और उसका कर्ज उतरेगा। और इसके अलावा इसको मुख्तसर बयान करता बताना चाहता हूँ कि जब हम एक दूसरे की कलाओं को माफ करते हैं तो ये भी बड़ा जरूरी है, ये भी करना जरूरी है, इससे भी हमारा जो है वो हो जाता होता है, और फिर हमारा बोझ भी खुदा हल्का करता है। आमीन आमीन। जब हम दूसरों को माफ करते हैं तो खुदा हमें माफ करता है। यहाँ पर उसके बाद लिखा है हमें आजमाइश में, ये आखिरी लाइन है जिसको हम सीखेंगे और थोड़ा सा गहरे तौर पर सीखेंगे। हमें आजमाइश में दो तरह की आजमाइश होती है, एक खुदा अब्लीस को, जब अब्लीस किसी को चेक करना चाहता है तो खुदा मौका देता है, ठीक है ये मेरा बंदा, मेरी बंदी, इसको चेक करने। मिसाल के तौर पर खुदा ने, अगर देखा जाए खुदा ने थोड़ा सा आजमाया इब्राहिम को, तो खुदा ने उसको क्या कहा कि अपने बेटे को ले जा पूरी के पहाड़ पर, बोला करे ना क्या कर, सारे बोले क्या कर, कुर्बान कर। और जब कुर्बान करने के लिए कहा तो खुदा ने रोक दिया, तो उसको नहीं रोका, खुदा ने उसको जाने दिया, एंड तक खुदा ने उसको चेक किया, क्योंकि लिखा जान देने तक वफादार है, जान देने तक वफादार है, खुदा ने उसकी पूरी वफादारी की। जब उसने छुरी पकड़ ली, बेटे को बांध दिया लकड़ी के ऊपर और कुर्बानी करने लगा, तो उस वक्त खुदा ने उसको रोक दिया, उसकी वो छुरी रुक गई और खुदा ने आवाज दी कि मैं जान चुका हूँ कि तू मुझसे अपने एक ही औलाद है और उसको भी बाज नहीं रखता। हम जो ईमानदार को कैसे, बाप कैसे ईमानदार हुआ कि उसकी इतने 24 सालों के बाद एक ही बेटा हुआ, उसके बाद बच्चा नहीं हुआ बेटा, कोई बेटा, एक ही बेटा हुआ, और खुदा ने वो मांगा और उसने खुदा को पेश कर दिया।
इसी वजह से आज वो ईमानदारों का पाप है। हम छोटी छोटी बातों में नाराज होना शुरू हो जाते हैं, इंज नहीं करना चाहिए, इंज करना चाहिए। निकलिए के गना सिर ते सवार करके असि की करते हैं, खुदा तो दूर हो जाने, महफिल तो दूर हो जाने, दूर हो जाने। आमीन आमीन। आजमाइश दूसरी अय्यूब की हुई, अब्लीस को खुदा ने कहा मैं तू चेक कर ले, मैं इसको मुख्तसिब से कहना चाहता हूँ। अब उसके बाद जो दूसरी अब्लीस आजमाइश करता है वो आजमाइश और तरह की होती है, उसमें खुदा जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता, वो अब्लीस खुद से लोगों को फंसाता है और उनको उस जगह पर लेकर जाता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स जो है उसने, मिसाल ये शख्स है, आप खड़े हो जाए, कोई बंदा मुझे इसने शराब छोड़ी, दुनिया की बदकारियों को छोड़ा, आप सबको इसकी गोए को बता है, डांस को छोड़ा, नाच रास को, बहुदा कामों को छोड़ा, सारे गंदे कामों को छोड़ा, और खुदा ने इनको चुना और ये इस माहौल में है, खुदा के माहौल में है। अब इसको मैंने एग्जांपल के तौर पर पढ़ा किया ताकि इजी हर बंदा समझ पाए। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम नॉमिनेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि इजी अंडरस्टैंडिंग हो सके। ये सिर्फ एक नहीं है, बेशुमार ऐसे लोग जो अंदरों अंदर छुपे होते हैं, वो जाहिर नहीं करते, लेकिन खुदा जब कलाम करता तो उनको पता चल जाता है खुदा मेरे लिए बोल रहा होता है, और जो तस्लीम करता है वो ही रिहा होता है। हालेलुया। जो तस्लीम नहीं करता वो रिहा नहीं होता होगा, ये याद रखिएगा। अब खुदा के माहौल में खुदा इनको लेकर आया, जिंदगी के एंड के दिनों में थे जब खुदा इनको लेकर आया। अब होगा क्या, कुछ अरसा खुदा के साथ चलेंगे, फिर दोबारा इन पर जिस्मानी अटैक होगा, अब्लीस आएगा और दोबारा आजमाएगा, वो दोस्त आएंगे, वो माहौल आएगा, वो नाच रंग आएगा, वो गाने आएंगे, वो तमाम काम आएंगे। और कहां पर ये सारी जंग कहां पर चलेगी, ये सारी जंग यहां पर चलेगी, सामने नहीं चलेगी, सामने दुनिया ऊंची नजर आएगी जो हो रहा है। ये कहां पर जंग चलेगी, ये यहां पर चलेगी। और होता क्या है, अब्लीस जिस माहौल को आप छोड़कर गए होते हैं उस पर एक ख्याल से आपको शुरू करता है, कहां से, ये बड़ी समझने वाली बात है, एक ख्याल आपको देता है। मिसाल के तौर पर इनको मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इनको उन्होंने याद कर तू कितने बड़े आर्टिस्ट के साथ नाचता था, बड़ा मजा आता था। अब क्या हुआ, सुने जरा समझे, वो बात इन्होंने अपनी से इनको दी, एक बात उसने दी और बाकी चीजें अंदर से जन्म लेना शुरू हो गई। आमीन। हुआ क्या कि इनको एक ख्याल उसने दिया और इन्होंने उस ख्याल को अपने अंदर जगह दी, अगर ये करें कि ये मेरे लिए खत्म हो चुका है सब कुछ, तो अगली बात अब्लीस नहीं करेगा, उसकी छुट्टी हो जाएगी। और अगर ये कहे हाँ बड़ा मजा, बड़ा एंजॉय, ठीक है, तो उसके बाद ये हमारे साथ कहाँ पर गए थे, वहाँ पर गए थे रात दस दिन अब्लीस के अंदर, लै तू कि लोगों चढ़े हैं, तू इन्ने व्डे लोगों चु दस है, मैं क्या भाई उन्होंने कह दे तो कदू भी कुछ कह, ये सच्ची बात मैं कह रहा हूँ। अब्लीस करता क्या है, ऐसे ख्याल देता, उसने ख्याल दिया, उस ख्याल को आपने अंदर जगह दी, उस ख्याल को आपने, और उस ख्याल पर आप जो है वो हावी नहीं हुए, उसको अपने थोड़ा सा मौका दिया और उस ख्याल ने आपके अंदर जगह बनाई और वो ख्याल भरा, और जब वो ख्याल भरा और उस ख्याल ने भरकर आपको अंदर से महसूस करवाना शुरू किया कि हाँ ये काम तुझे करना चाहिए, इसमें इंजॉय है, मजा है, ये काम तुझे करना है, वो अंदर वो भरता गया, आपने उसको जगह दिया और वो भरता गया, जैसे जैसे वो भरता गया आप उसके काबू आते गए, आप उसके कंट्रोल में होते गए, वो ख्यालात आप पर कंट्रोल करता गया, और जिस जगह पर उसको एकदम रोक देंगे वहां पर ही रह जाएगा, उसके आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन जैसे जैसे गुनाह बाइबल के मुताबिक टेस्ट है, एक मजा है, और जैसे जैसे गुनाह इंसान करता उसको मजा आता जाता है और उसमें वो खोलता जाता है, भरता जाता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि वो उससे बाहर नहीं आ पाता, और फिर अपनी उसको सामने बैठाकर हंसता है, सामने बैठाकर वो उसको कहता है कि हाँ आप बताओ क्या तेरा हाल किया मैंने। मुझे एक नौजवान रात को ये बता रहा था कि मैं एक माह डेढ़ माह चर्च नहीं आया तो मेरे सामने मैं वो बंदा था कि जो बदरूहों को देखता था, रोया करता तो ऐसा होता था, मैं डरता नहीं, गाला पड़ता था, अब वो बदरूहें मेरे ऊपर सिर्फ फंसती थी,
तो मेरा तुम भी फोन करते दिल से कर इस कदर अपनी गुमराह करो। अब हुआ क्या, उस ख्याल ने आपके ऊपर कंट्रोल किया है, और जैसे उस ख्याल ने आपके ऊपर कंट्रोल किया है, आपने जो है वो प्रैक्टिकली काम किया, और जैसे प्रैक्टिकली आपने काम किया है वो अमली तौर पर हुआ, और अमली होकर आपको उस जगह पर ले गया। और जब उस जगह पर आप चले गए, मैं चाहूंगा इसके साथ हम एक हवाला देखें जो हमारी बड़ी मदद करेगा। यकूब का खत, उसका पहला बाब, उसकी 13 और 14 आयत हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे। वो अपने क्या करता है, जंजीरों से बांधकर अगवा करके उस कैद में, जिसको जंजीरें कहा जाता है, उसमें बंदे को जकड़कर ऐसा खींचता होता है कि बंदा रोता भी है, पछताता भी है, लेकिन उसकी जल्दी जान नहीं छूटती। जी निकाला यकूब का खत, जी मैंने कहा 13 से 14। जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से। जी सुने, जब कोई आजमाया जाए इना ख्यालों के विच, तो ये ना कहे कि मेनू खुदा आजमा रहा है। बाइबल क्या कह रही है, वो ये ना कहे कि मुझे खुदा आजमा रहा। जी मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता, ना खुदा बदी से आजमाया जा सकता है, तो ना वो किसी को आजमाता है। ये नहीं कि पीनी शराब नहीं देर बाद खुदा ने मेरे ना आजमाया है, चाहे कि तब साल आएगा तो मजा आप लें डेन शराब पीने का, ड्रिंक खुद कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, खुदा का नाम है, खुदा आजमा रहा है, चेक कर रहे हैं क्या। जी हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींच कर इंसान आजमाया जाता है। रीजन उसकी ये होती है कि इंसान के अंदर अब्लीस ने छोटा सा डॉट पैदा किया, और उसने जन्म लिया, और वो फैला, और उसको ताकत मिली, और आपने उसको वक्त दिया, और वो बड़ा आपके अंदर, जैसे जैसे वो बढ़ता गया उसने आपके ऊपर हुक्मरानी करना शुरू की, और ख्वाहिश पैदा हुई, और ख्वाहिश जो है वो हामला होकर वो जन्म लेती है। जिस तरह एक जो होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो माँ के पेट के अंदर बच्चा बिल्कुल छोटा सा होता है, और फिर वक्त के साथ वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और 9 माह के बाद वो जन्म ले लेता है। वो ख्वाहिश जो है वो हामला होती है, और उसके बाद क्या करता है, गुनाह जन्म ले लेता है। जी आगे, और फिर ऐसी आजमाइश होती है जिसमें हम पुकारते हैं, रोते हैं, चलाते हैं, खुदा मुझे निकाल, और बाजुकात खुदा कहता है बेटे सब्र कर, पहले तू इस आजमाइश में गया, अब मैं तुझे देखता हूँ तू क्या करता है। खुदा नहीं निकल, लेकिन जब अगर कोई बेटा बेटी हो तो वो पुकारे, रोए, चलाए, अंश भाए, तो खुदा फिर उसकी एक वक्त आता है, सुनता है। अगर वो ये कहे कि खुदा मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ, मुझे अबलीस खींच कर लेकर जा रहा है, मुझे बचा, मुझे छुड़ा, मुझे आजाद कर, मुझे रिहा कर, मैं वापस उस महफिल में जाना चाहता हूँ, उस जगह पर जाना चाहता हूँ। मैं जब ये कलाम ले रहा था तो खुदा मुझे सिखा रहा था कि ऐसा अबलीस कर देता है, यहाँ पर हमारे लोग ऐसे, हमारी टीम का तजर्बा है, ऐसे लोगों को कर देता है कि जब वो गुनाह में जाते हैं उनकी दुआ कम होती है, और जब दुआ कम होती है तो महफिल कम होती है, जब महफिल कम होती है तो वो खुदा से दूर होते हैं, जब खुदा से दूर होते हैं तो खुदा की बात भी उनके साथ कोई करे तो उनको अच्छा नहीं लगता। फिर यहाँ तक होता है कि वो मेरे से नजरें चुराते हैं, कुतराते हैं, दूर से निकल जाते हैं, कहीं ना कहीं गली से निकल जाते हैं। अभी रात को एक नौजवान बता रहा था कि मैं लेट भी ना चलती थी, गली भी नहीं ना गया कि किसी पारी साहब ना मेरे मेरे पर ऐसा होता है। ये रियल मैं बता रहा हूँ आपको, आप प्लीज आपको वहां पर ले जाएगा, मेरी मुखालफत करवाएगा, आपके अंदर मेरी मुखालफत बातें डालेगा, वो पार साहब को इंज करना चाहिए थी, पार साहब को इंज करना चाहिए थी, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि वो असल मुकाम से हट चुका है, अपनी जिद चाहता उसको घुमा देता है। अगर वो वहां पर रुक कर सोचे, दिस इज माई मिस्टेक, दिस इज सिन, ये गुनाह है, मेरी गलती है, मेरी कता है, तो खुदा रूल उसको वहां पर, मैं बड़ी डिटेल से इसको सीख रहा था, अभी टाइम खत्म हो गया, एंड करने लगा हूं कि यहां तक पहले दुआ का है, पहले दुआ से दूर करता है, फिर रूहानी लोगों से दूर करता है, रूहानी लोगों के बाद
फिर वो आपके ख्याल को हल नहीं रहने देता, फिर उस दुनिया में ले जाता है। वो दुनिया की बातें, दुनिया की ख्वाहिशें, दुनिया की सोचें आपको बड़ी प्यारी लगना शुरू हो जाती है। ये आपका कसूर नहीं होता, आप उस जगह पर जकड़ चुके होते हैं। जो जंजीरें आपको डाली गई होती हैं, आप उसमें जकड़ चुके होते हैं। इसलिए आपको मेरे अलावा रूहानी लोग रस्ते में कोई रूहानी बंदा मिलेगा, आपको ये यहाँ की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड की बात है। पूरी दुनिया में ईमानदार जब भी गिरते हैं उनको फिर वो लोग बुरे लगते हैं, वो जहर लगना शुरू कर देते हैं, वो बड़े पैदा हो गए एनआईआर की थी। फिर जो नई भी बात होती मेरे साथ ऐसा होता, फिर जिड़ी नई भी मैं गल की होती वो भी गल आ जाती है। इतने इंज क्या सी ना पाल साहब ने, इंज नहीं सी कहना चाहिए, तो की कहना चाहिए थी कि तू ठीक है फिर ठीक सी भाई। अगर तुझे निकालने के लिए उन्होंने डांटा, अगर तुझे निकालने क्योंकि वो माफ करने में सच्चा और पागल है। इस आजमाइश से खुदा को हमने दुआ वाणी में ये कहते कि हमें उस आजमाइश से बचा। कौन सी आजमाइश? जो हमारी ख्वाहिशों से पड़ती है हमारे ऊपर। उस आजमाइश से बंदा लड़ नहीं पाता, ये मैं आपको बताऊँ, कमजोर होता है, मुश्किल होता है, फिर खुदा का फजल होता है तो बंदा निकल पाता है। हमें आजमाइश से, हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, बुराई से बचा। उसके बाद ने क्या जो बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, एंड फिर जो है वो खुदा के साथ ही। आमीन आमीन। थोड़ी सी चीजें मांगी आजमाइश से, रोज की रोटी और पहले खुदा की तारीफ और एंड पे फिर उसकी शुक्रगुजारी और दुआ का एंड हो गया। ये इतनी दो मिनट की दुआ नहीं है, इस दुआ का मेथड है। अगर हम खुदा की तारीफ करें तो एक घंटा भी तारीफ कर सकते हैं। आमीन आमीन। ये मैं दुआ का तरीकेकार आपको बता चुका हूँ। अगर हम मांगना चाहते हैं तो हम दो घंटे भी मांग सकते हैं, और अगर हम दुआ का एंड करना चाहते हैं शुक्रगुजारी करते हुए, हम चार घंटे भी गुजार सकते हैं। आमीन। ये बड़ा जरूरी है, हमारा रिलेशन कैसा है, हमारा ताल्लुक कैसा है, उस तरीके से हम दुआ को करेंगे, सीखेंगे। मैं चाहूँगा सब घुटनों के बल होते हैं और आज गलतियों को, खताओं को सोचे। आपको कोई नहीं जानता, खुदा और आप ही अपने आप को जानते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बच्चों, बड़ों, बुजुर्गों, तमाम को मैं आप बताना चाहता हूँ कि खुदा आज कलाम के जरिए से मुझे और आपको उन आजमाइशों से निकालना चाहता है। जब हम उन आजमाइशों से निकल आते हैं तो हम खुश होते हैं, शादमान होते हैं। मसीही महफल, मसीही लोग, खुदा के घराने के लोग, वहां पर एक खुशी है, एक इत्मीनान है, एक सुकून है, एक जो है वो अलग आपको जो जिंदगी नजर आएगी, वो जो जिंदगी कहीं और नजर नहीं आएगी, क्योंकि आपके अंदर एक इत्मीनान होता है कि मैं अब खुदा की महफल में हूँ, मैं अब खुदा के लोगों में हूँ। अब मैं आजमाया जा रहा था लेकिन खुदा ने मुझे जो है वो माफ किया है, और खुदा ने मुझ पर रहम किया है, खुदा ने मुझको माफ किया है। हालेलुया। आइए बोलना शुरू करें, आइए बोलना शुरू करें, दुआ करना शुरू करें, मांगना शुरू करें। शर्माए ना, उसके सामने बोले, ये ना सोचे कि मेरे साथ वाला क्या सोचेगा, मेरे साथ वाली क्या सोचेगी। ऐसे कहे खुदा मैं कमजोर था, मैं कमजोर थी, खुदा मुझसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, लेकिन खुदा जब मैंने तुझे अपने साथ महसूस किया है और अभी मुझे तू महसूस रहा है। आप मीटिंग के बाद बताएंगे कि जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ आपकी तब्दीली आ रही है, खुदा चेंज ला रहा है, खुदा का रूह मौजूद है और रूह कुदस की हदायत से मैं बोल रहा हूँ। अभी आपको अपने इर्द गिर्द खुदा की कुदरत महसूस होगी, जो तब्दीली पैदा कर रही है और जो चेंज ला रही है, जो आपको उन आजमाइशों से, उन लानतों से, उन गंदगियों से निकाल रही है। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ उससे कहना शुरू करे, उससे कहना शुरू करे, उससे कहना शुरू करे, खुदा हाँ मैंने कई जगहों पर खुदा अपनी मर्जी की है, जहां पर मुझे ताबेदारी करनी चाहिए थी वहां पर खुदा मैंने तुझे इग्नोर किया है, जहां पर मुझे फरमाबरदारी करनी चाहिए थी वहां पर मैंने अनाप्रस्ती की है, खुदा मुझे जो करना चाहिए
हालेलुया 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 हालेलुया। मैं चाहूंगा कि हम इस स्पोर्ट्स का एक अंतरा गाएं, मेरी सारी कमजोरियां हम गाएंगे हालेलुया हालेलुया। बाकी दुआ करते जाए, आप दुआ करते जाए, आप खुदा के सामने गिर गिराएं, जिस कदर आप चलाएंगे गिर गिराएंगे। याद रखिए, मांगना नहीं है कुछ, आपने मांगना नहीं है, सिर्फ आपने इकरार करना है और उसकी हस्ती कर देना है, आपने उसकी कुदरत कर देना है, आपने उसको जोर कर देना है। हालेलुया हालेलुया। मेरी सारी मुझे टूट गए सा
दफा दिया मैंने, तेरी मर्जी को जमीन पर पूरा नहीं किया। खुदा देव तूने हमें इसलिए चुना कि हम दुनिया में लोगों को तब्दील करें, और खुदा देव हम दुनिया में से लोगों को निकाल कर तेरे कदम बनाए। अरे खुदा हमने उस तौर से तेरे काम को नहीं किया, खुदा हम तुझसे अपील करते हैं, अरे खुदा हम पर रहम कर दे। यीशु के नाम से तेरे तूने आज हमें छुआ है, तूने आज हमें छुआ है खुदा, तूने आज हमें छुआ है खुदा। हम तेरी पाक सूरी में झुके हैं खुदा, अपना हाथ बढ़ा मेरे खुदा, अपना हाथ बढ़ा मेरे खुदा, अपना हाथ बढ़ा मेरे खुदा। देख तेरे बेटे बेटियां ओ खुदा इस ईमान के साथ बोल रहे हैं, पुकार रहे हैं, और तूने छू रहा है, और तूने छू रहा है, और तूने ब्लेस कर रहा है, ओ शादी हो रही है, ओ बहाली हो रही है, तेरा फजल हमारे लिए काफी। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा। तुझे जलाल का बादशाह और तुझे कुदरत से बना है, और खुदा अगर हम गिर जाए तो भी तू हमें उठाता है और हमें संभालता है खुदा। तेरे खुदा तुझसे कुछ छुपा नहीं है खुदा। देख आज तेरी कुदरत ने हम सबको छुआ है, और हमने तेरी गहरी हजूरी से फतह को हासिल किया है। इमाम हम सारा जलाल तुझे देते हैं, हम सारा जलाल तुझे देते हैं। ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं।